मुंगेली तहसील के लाड़बुरी गांव में नालियों में मलमा और कचरा जमा होने से गंदगी का आलम बीमारियों को न्योता दे रहा है। बरसात के पहले गांव में पानी जमा ना हो और बीमारियां ना फैले, इसके लिए गांव में संपूर्ण नालियों की साफ सफाई की जाती है। लेकिन लाड़बोरी की ग्राम पंचायत ने पूरी नाली का उपसा ना करते कुछ ही नालियों का उपसा किया। आज इस कार्य पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। गांव के नालियों का मलबा पूरी तरह साफ ना होने से जगह जगह पानी जमा होकर उसके डबके तैयार होने का चित्र देखने को मिल रहा है, जिससे गाँव के नागरिक और छोटे बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में आ सकता है। बरसात में आने वाले संक्रामक रोगों की बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज गांव में जगह जगह अस्वच्छता निर्माण होने का चित्र दिखाई दे रहा है। आने जाने के मार्ग पर दो तरफा कचरा पड़ा है, इसमें सांप बिच्छू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मार्ग से बड़े तो बड़े बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही पीने के पानी का नल नाली के पास होने से दूषित पानी नल के गड्ढे में जाता है। कुछ नागरिकों के घर नल होकर भी दूषित पानी आने से घर में पीने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जमा इस पानी से डेंगू मलेरिया आदि रोगों का प्रादुर्भाव हो सकता है। अकार्यक्षम नेतृत्व होने से गांव का विकास रुका है। तभी गाँव में हो रही इस अव्यवस्था की ओर ध्यान देने की मांग हो रही है।